मैं डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी आयुष्ग्राम ट्रस्ट के आयुष्ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट से आज हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं साजिद अहमद को, जिनकी उम्र अब 20 वर्ष हो गई होगी जी। पिता इनके फेक अहमद हैं, बैंक में ऑफिसर हैं, आप प्रयागराज इलाहाबाद से हैं। एक इनका वीडियो बनाया जा चुका था यहाँ भर्ती होने के बाद और इनको इलाज से लाभ हो गया था। इनको सीवियर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और स्टेनोसिस था, इसको हम लोग कटिग्रह कटिबाध बोलते हैं आयुर्वेद में। आप दिल्ली तक गए थे ट्रीटमेंट कराने, अल्टीमेटली क्या कर रहे थे कि अल्टीमेटली भाई सब ऑपरेशन के लिए कह दिए कि इतने की आपकी ये हड्डी पड़ेगी, इतनी ये पड़ेगी, बस लास्ट में ये। देखिए आप ऑपरेशन कराना नहीं चाहते थे? नहीं, हमको नहीं कराना। अभी आपकी माता जी ने बताया, माँ ने बताया कि ये इसलिए चल, यानी आपको दर्द भी होता था? आपको बताया कि दर्द होता था तब भी पैदल चलते थे जी, क्यों? हाँ। ऐसा क्यों करते थे आप? क्योंकि दिमाग में बन गया था कि आप ठीक तो होना नहीं है, दर्द है ही है, तो जबरदस्ती जितना हो सकता था गुस्सा के चलते थे, चलना है चलते रहे। और आप यहाँ कितने दिन भर्ती रहे थे? डॉक्टर साहब 15 दिन यहाँ पंचकर्मा थेरेपी हुई और अब हमको ट्रीटमेंट करते हो गए। आपको कितने महीने हो गए? 7 महीने हो गए। हाँ, 7 महीने में अब आप बहुत संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा आराम है। 7 महीने में अब आप 400 मीटर तक नॉर्मल चल रहे हैं, 50 मिनट तक नॉर्मल बैठ रहे हैं, 1 घंटा 100 घंटे बैठ ले रहे हैं। हाँ, लेकिन बस अब लापरवाही नहीं करना है, ब्रश नहीं कर पा रहे थे। 3 साल पहले हम खड़े होके ब्रश करते थे, अब 3 साल बाद अब खड़े होके ब्रश करना भूल गए थे। 3 साल पहले की तो ब्रश कर रहे थे कि 3 साल बाद अब वैसे कर पा रहे हैं। ब्रश करने में आपको क्या दिक्कत आती थी? खड़े ही नहीं हो पाते थे बिल्कुल, बाथरूम से बैठ के सांस फूलती, जैसे लग रहा है कि सांस आ ही नहीं रही, इतनी ज्यादा दर्द है। नहीं हो पाते थे, ब्रश में जो है टूथपेस्ट मैं निकाल के देता था, चेयर में टेक लगा के ऐसे करके तब ब्रश कर, तो दर्द रहता था। ये वैदिक चिकित्सा है, हमारे भारतीय चिकित्सा है, हमारे पूर्वजों की, सबकी पूर्वजों की चिकित्सा है, ऋषियों की बनाई हुई चिकित्सा है। आपकी वजह से इतना आराम, दोबारा मतलब ठीक होके उम्मीद नहीं थी कभी ठीक होंगे आप।